आदत हो गई क्या? क्या दे बाबा, ये तीन दुनिया है, एक तो साढ़े 500 करोड़ की दुनिया, एक है साढ़े 500 करोड़ की दुनिया, दूसरा है बेसिक वालों की दुनिया, तीसरा है एडवांस वालों की दुनिया। तो बाबा, जैसे एडवांस वाले जैसे परफेक्ट बन जाते हैं तो बेसिक की दुनिया का विनाश हो जाता है, पुरानी दुनिया। अच्छा, इसके बाद से जैसे बोला है कि जैसे शक्तियाँ हैं विनाश के जैसे निमित्त बनती हैं, एडवांस वाले परफेक्ट बन जाते हैं तो दुनिया का विनाश हो जाता है? नहीं, बेसिक की दुनिया का, बेसिक की दुनिया का विनाश हो जाता है। 76 में एडवांस, 76 से पहले एडवांस वाले थे क्या? नहीं थे, लेकिन बाबा ने तो बोला सन 76 में विनाश हो जाएगा। एक है बाबा जैसे तो एडवांस वाले तो थे नहीं, तो विनाश होना का मतलब जैसे एडवांस में कन्वर्ट हो जाना, मेरा कहने का भाव बाबा जैसे एडवांस में जैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये बोला है कि शक्तियाँ हैं जैसे विनाश करने की निमित्त बनती हैं, तो शक्तियाँ से जैसे बाप दादा से जैसे कनेक्शन टूट जाता तो एडवांस की दुनिया से बच्चे जैसे बिखर जाते हैं, जो जिस धर्म में है उस धर्म में जैसे चला जाता है, और जो और जैसे एक है कि जैसे 500 करोड़ की दुनिया का विनाश जैसे शंकर करता है, वो तो दूसरी आत्माओं में वैज्ञानिकों का आत्माओं में घुस करके वो विनाश कराता है, इसका बाबा जैसे सिस्टम से जानना चाहते हैं। विनाश का ही सिस्टम से क्यों जानना चाहते हैं? अपना के क्यों नहीं? हर एक बात सिस्टम से है, हर एक बात सिस्टम से, माने बाप दादा सिस्टम से पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा है? बाबा तो पढ़ा रहा है, लेकिन आत्माओं की जैसी बुद्धि है उतना तक समझते हैं, बाबा को बार बार बुद्धि में डालना पड़ता है। क्या बात नहीं समझते? यही बाबा जैसे विनाश वाली जैसे बातें, एक है कि साढ़े, चाहे विनाश की बात हो, चाहे स्थापना की बात हो, चाहे पालना की बात हो, हर एक बात का फाउंडेशन तो संकल्प से शुरू होता है। तीन मूर्तियां हैं तो तीन तरह के फॉलोअर्स भी हैं, कोई स्थापनाकारी है, कोई विनाशकारी है, कोई पालना करने वाले विशेष हैं। अब जो जैसा कार्य करने वाले हैं उनके संकल्प भी उसी प्रकार के विशेष होते हैं, संकल्पों का फाउंडेशन ही वैसा होता है, तो सारी बात संकल्पों के बीज के ऊपर आती है। जैसा बीज बोएंगे वैसी सृष्टि बनेगी। देखना यह है कि ज्यादा फायदा किसमें है, स्थापना में फायदा है, पालना में फायदा है, या विनाश में फायदा है। एक है कंस्ट्रक्शन करना, एक है डिस्ट्रक्शन करना, और एक है पालना करना। ज्यादा महत्व किसको देना चाहिए? पालना करने, हम पालना करेंगे तो प्रभु हमारी पालना करेगा। पालना करने के लिए जो माता का स्वभाव होता है, संस्कार होता है, सहन करने का, अखंड प्यार देने का, वो भी चाहिए। जब स्थापना पूरी होती है तो विनाश तो स्वतः ही होता है, ऐसा हो नहीं सकता कि स्थापना हो जाए और विनाश न हो। कंस्ट्रक्टिव रहना अच्छा है या डिस्ट्रक्शन का सोचना अच्छा है? कंस्ट्रक्शन करना अच्छा है, बनाने वालों की लिस्ट में है, कुछ बिगाड़ने वालों की लिस्ट में नहीं है।
आज की व्यक्तवाणी में बोला कि अमेरिका और लंदन पिकनिक स्पॉट बन जाएंगे आपके बाद, तो स्वर्ग में इतनी दूर 10-20 हजार किलोमीटर पिकनिक मनाने कौन जाता होगा? बाबा जो भी लक्ष्य देते हैं ब्राह्मणों को वो कृष्ण के जन्म से लेकर के लक्ष्य देते हैं या कृष्ण के जन्म से पहले का लक्ष्य देते हैं? जन्म के बाद का लक्ष्य देते हैं, माने हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो कृष्ण का जन्म लेने से लेकर है, माने मम्मा बाबा या कृष्ण और राधा की आत्माएं जो पुरुषार्थ करती हैं वहां तक हमारा जीवन का लक्ष्य सीमित है या उससे आगे है? राधा कृष्ण जो जन्म लेंगे वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो तो बेसिक नॉलेज तक सीमित है। हमारे जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण बनने का, तो वो संगम युग का लक्ष्य है या सतयुग का स्वर्ग का लक्ष्य है? संगम का लक्ष्य है। तो जो बाबा लक्ष्य देते हैं ऊंचे से ऊंचा स्वर्णिम पुरुषोत्तम युग, उसमें तीनों मूर्तियों का पार्ट है, ऐसे नहीं स्थापना का ही पार्ट है या विनाश का ही पार्ट है, नहीं, स्वर्णिम संगठन जो तैयार होगा उसकी पालना का भी पार्ट है। इसके लिए बताया कि पहले तो दक्षिण भारत है वो तो भारत का क्या है, विदेश है, वो पिकनिक के स्थान बन जाएंगे। बाद में दुनिया के लिए भी होगा, स्वर्ग की बात नहीं है, पिकनिक के स्थान बनेंगे लंदन और अमेरिका, वहां तो होंगे ही नहीं ये धर्मकंड, होंगे और तो गर्त में समा जाएंगे। बाबा 33 करोड़ देवताओं का गायन आता है, हाँ जो सतयुग है उसमें जो 2 करोड़ देवताएं होते हैं और त्रेता में तो क्षत्रिय होते हैं, द्वापर में जो है वो वैश्य और इसमें जो रुद्र होते हैं कलयुग में, तो 33 करोड़ देवता की वो जो गिनती है। कोई भी धर्म की आत्माएं हो जब उतरना शुरू होती है तो आज से लेकर के और कलयुग के अंत तक उतरती ही रहती है, और देवी देवता सनातन धर्म तो लोप होता ही नहीं है, क्यों होता है? नहीं होता। और धर्म की भी आत्माएं उतरती रहती है, वो भी अंत तक उतरती है, तो देवता धर्म की आत्माओं को उतरना कैसे बंद हो जाएगा? हाँ उसमें भी कैटेगरीज हैं, कोई सतयुग के देवताएं हैं, सोलह कला संपूर्ण बनने वाली आत्माएं हैं, 14 कला तक सीमित है, तो सब देवताएं हैं, कोई क्षत्रिय है वो 8 कला तक सीमित है 14 कला से लेकर, उसे भी देवताएं उतरते रहते हैं त्रेता के अंत तक। लेकिन दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, तो देवता धर्म 4 अवस्थाओं से पसार नहीं होता है क्या? होता है। उसकी भी रजो प्रधान आत्माएं परम धाम से उतरती रहती है, तो तमो प्रधान आत्माएं भी देवता धर्म में हैं जो कलयुग के अंत में उतरती है। बाबा कलयुग के लास्ट में जैसे जो देवता धर्म जो तमो प्रधान आत्मा होगा वो तो धरापद सतो प्रधान बनकर उतरेगा, दुनिया के सामने भी सात्विक की स्टेज में होंगे, तो सतयुग की अपेक्षा उत्तम प्रधान है, सतयुग की अपेक्षा तमो प्रधान है, लेकिन दुनिया के मुकाबले तो सतो प्रधान है। क्लाइंट कितनी होती है? आपके यहाँ तरंतिका है
ईश्वर से प्योर आते हैं, उनकी क्लाइंट कितनी होती है? धर्म पिता है द्वापर से, जो भी आना शुरू होते हैं ना ऊपर से, हाँ। उनकी कलाएं कितनी होती हैं? कलाएं चंद्रमा की कलाएं अलग अलग होती हैं क्या? मीजरमेंट है रोशनी का, ऐसे ही आत्मा की शक्ति का मीजरमेंट है, या 16 कला या 14 कला या 8 कला या कलाहीन, वो कलाएं अलग अलग थोड़ी है कोई, ये पूरी मतलब पूरी होती है। आत्मा की शक्ति का नाम है कला, आत्मा की पावर, आत्मा की रोशनी। बाबा उस युग के मुताबिक जैसे उसने जो जो आत्मा जैसे ऊपर से नीचे उतरेगी उसमें 16 कला जैसे कहा जाएगा, 16 कला जैसे उसमें है उस युग के मुताबिक, ठीक है बाबा जी? हाँ जी। सृष्टि का सत्व प्रधान पीरियड है, 16 कला से 14 कला तक जब भी है तो सत्व प्रधान ही कहा जाएगा। बाबा जैसे कलयुग के लास्ट में भी जैसे देवता धर्म की आत्मा जैसे उतरती है वो इस धारा पर जैसे आएगी उस टाइम तो सत्व प्रधान ही होगी, दुनिया के मुकाबले तो सत्व प्रधान ही होगी, लेकिन जो सतयुग के देवताएं हैं उनके आगे नहीं, उनके मुकाबले तमो प्रधान है। बाबा शिशु की राशि आयुष्य ही क्यों उम्र आई है? राशि जो है राशि से, हाँ जैसे कर्ण और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है, कर्ण सूर्य पुत्र था और पांडव के पुत्र थे, पंडा के पुत्र, पंडा कौन है? वही पंडा शिव बाबा, वही ज्ञान सूर्य, और कर्ण सभी उससे पैदा हुआ, सूर्य से ही तो पैदा हुआ, लेकिन रास्ता अलग पकड़ लिया, साथ दिया कौरवों का, पांडवों ने साथ दिया कृष्ण का, भक्तों ने समझ लिया है कृष्ण का साथ दिया, वास्तव में कृष्ण का साथ नहीं दिया, किसका दिया है? शिव बाबा का साथ दिया, जो पहले पैदा होते हैं वो ज्यादा ताकतवर होते हैं, या जो बाद में पैदाइश होती है जिनकी वो ज्यादा ताकतवर होते हैं? कृष्ण किस कैटेगरी, वो कर्ण किस कैटेगरी में था? पहले पैदाइश हुई थी, समाज में भले तिरस्कृत था, दासी पुत्र कहा गया, लेकिन शोहरत में, ताकत में और गुणों में बहुत श्रेष्ठ था, क्योंकि दास ने पाला। सारथी होता है रथ चलाने वाला राजा का, वो दास होता है या अधिकारी होता है? दास होता है, तो सारथी ने उसकी पालना की थी इसलिए दासी पुत्र। शनि देवता को भी सूर्य पुत्र कहते हैं, तो अष्टदेवों में आता है या अष्टदेवों से बाहर है वो? जब देवता का आ जाता तो देवता तो हुआ ना, सूर्यवंशी के बारह में अष्टदेवों में भी तो कोई ऐसे ऐसे रूप स्वरूप वाले हैं ना, जो देखने में ही निष्कर्ष लगते हैं, बार हैं, कितने बार हैं? 7 बार हैं, उनमें आखिरी बार कौन सा है? शनिवार। बाबा बोले हैं कि काल के बाद मैं संगम युग में आता हूँ, तो बाबा यानी चार युग के बाद हुआ ना,
तो ये जो घड़ी का चित्र जो दिखाया है सृष्टि चक्र में, मिनट का सुई है बाबा कलयुग में, ऐसा क्यों? मिनट का जो सुई है वो कलयुग में दिखाया गया है, ऐसे क्यों? कलयुग का हिस्सा ऐड किया जाएगा ना, तब तो संगम बनेगा। कलयुग का हिस्सा अगर ऐड ही न किया जाए स्वर्णिम संगम में, अगर कलयुग का अंतिम हिस्सा ऐड न किया जाए तो संगम कैसे बनेगा? ये बाबा कलयुग और सतयुग का बीच का है ना, तो नाम इसको कलयुग में कहेंगे। एक्यूरेट सतयुग को तब कहेंगे जब दुनिया का विनाश हो जाएगा, लेकिन विनाश होने से पहले स्वर्णिम संगम युग की स्थापना हो जाएगी, और उससे पहले घोर तमो प्रधान तामसी स्टेज होगी स्वर्णिम युग में बाबा, उससे पहले स्वर्णिम युग से पहले तमो प्रधान स्टेज से हम लोग गुजर चुके हैं। जो बीजरूपात्मय हैं, जो अष्टदेव हैं, वो स्वर्णिम संगम युग में आने से पहले घोर तामसी स्टेज में है या नहीं है? हैं। ये बाबा जो पीरियड है तो स्वर्णिम संगम युग का है। एक आदमी बोलो। ये जो पीरियड है 5000 साल की जो रील बचती है, हैं? रील बचती है 5000 साल की, हैं? उसका जो कलयुग का जो हिस्सा है उसमें जो संगम युग शुरू हो जाता है बीच में, उसमें कलयुग अंत होने तक की रील बचती है कि संगम युग की चलती है उसमें? तो 5000 वर्ष का जाना है ना? हाँ जी। तो इसमें संगम युग तो उनको सपने शुरू हो जाता है, कलयुग तो फिर भी चलता है दुनिया में। संगम एक होता है सामान्य संगम युग, जैसे आज अव्यक्त वाणी में आया परमात्मा प्यार और परमात्मा पार्ट, कौन से युग में मिलता है? सामान्य संगम युग में या पुरुषोत्तम संगम युग में? संगम युग कह लो चाहे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग में भी दो प्रकार, दो दोनों हैं, उसका नाम ही है संगम। उसमें स्वर्णिम संगम भी है पुरुषोत्तम संगम युग में, और तामसी स्टेज भी है, क्योंकि जो पुरुषों में उत्तम बनने वाले हैं उनकी सारी रील घूमती है ताकि वो अपने को भी रियलाइज कर सके कि हमने क्या क्या पार्ट बजाया है। रियलाइजेशन कोर्स तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हर एक अपने अपने अंदर देखे, मुरली में प्रश्न आता है, पहले अपने से पूछो हम कलयुगी भ्रष्टाचारी हैं या सतयुगी श्रेष्ठाचारी हैं, पतित तमो प्रधान है या पावन सतो प्रधान है, अपने दिल से पूछो पहले। इससे कौन पूछे पहले? पहले ब्राह्मण अपने से पूछे ना, क्या हम स्वर्णिम संगम युग में प्रवेश कर चुके हैं? कहाँ है पतित दुनिया में? सब पतित ही होंगे। पावन दुनिया में? सब पावन ही होंगे। तो हम कहाँ के वासी हैं? पावन दुनिया के वासी हैं या पतित दुनिया के वासी हैं? बीच में पक्का है? ज्यादा कहाँ के वासी हैं? पावन दुनिया के बाबा। माता जी आई कि नहीं? चली गई। हम पूछेंगे अभी माता जी से, पावन दुनिया के वासी हैं। बाबा बोलते हैं कि 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। मैं आता हूँ, ये कौन बोलता है? शिव बाबा बोलते हैं ना। तो शिव बाबा कहाँ से है? 5000 वर्ष के अंदर मैंने बोलना चाहिए। तो कब आता है बताओ, तुम क्या समझते हो कि कब आता है? 5000 वर्ष में नहीं, पहले इनको बताने। हाँ कब आता है?
हमें तो तुम प्रश्न पूछ रहे तो तुमने कुछ तो निर्धारित किया होगा ना। पूछ रहे हो ना, पूछ रहे हो तो तुम्हारी बुद्धि में कुछ तो है। क्या विचार है तुम्हारे हिसाब से, कब आता है? हमें बाबा डिक्लियर पता ही नहीं क्या हम पूछ कैसे रहे। हम पूछ रहे हैं बाबा कि डिक्लियर साफ हमें क्वेश्चन करें सब पूरा डिटेल में हो जाए अच्छी तरह से। तुमने जो पूछा कि शिव बाबा आता है 5000 वर्ष के बाद, तो 5000 वर्ष का बाद तुमने कब समझा, कब हुआ? 2036। सुनो, उसमें शिव बाबा कहेंगे नहीं बाबा, जब कहेंगे ही नहीं शिव बाबा तो आया कहाँ से? बाबा कहा जाता है साकार को और शिव कहा जाता है बिंदु को, तो जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, शिव ज्योति बिंदु और साकार दोनों का मेल, वो कब आता है? 76 से आता है। बाबा गीता पति भगवान को भी करना है, गीता माता है तो दो है, इसके लिए बोला गीता पति भगवान। बता तो दिया, झूठी गीता से नरक बन जाता है और सच्ची गीता से स्वर्ग बन जाता है। सच्ची गीता से 1 सेकंड में स्वर्ग बनता है, ब्रह्मा सो विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। तो ब्रह्मा सो विष्णु सच्ची गीता से बनता है या झूठी गीता से बनता है? सच्ची गीता से 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। ये बोलते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। ब्रह्मा स्थापना, ब्रह्मा बड़ी माँ या प्रजापति ब्रह्मा? पिता तो पिता ही है ना, अम्मा अम्मा ही है। अम्मा के टाइटल में अगर पिता लगा देंगे तो अम्मा बन जाएगी क्या? फिर ब्रह्मा बड़ी माँ, माँ स्थापना माँ के द्वारा हुई। स्थापना तो माँ के द्वारा हुई कहाँ, अभी हुई? अभी तो नहीं हुई, कहेंगे ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई। ब्राह्मण अभी अभी नीचे जाते हैं, अभी अभी ऊपर जाते हैं, वो तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होगी। कौन सी स्थापना? पक्के ब्राह्मणों की, पक्का ब्राह्मण तो पक्का देवता होगी ब्रह्मा के द्वारा ही। भाई ने पूछा ना कि 5000 वर्ष के बाद आते, तो 1976 बाप का आने का समय होया, वो 5000 के बाद सब चरण पूरा हो जाता है। सच्चेता वर्ष कौन सा है? 76। जो बीज रूप आत्माएं की दुनिया है उनके लिए शुरुआत कब से है? उनके लिए नए कल्प की शुरुआत कब से माने? बाप मिला माना नई दुनिया मिली, सब कुछ मिला, इतनी खुशी होनी चाहिए। जब तो सच्चे का जन्म हो तभी है, जब तो सच्चे का जन्म हो तभी से ठीक है। जन्म तो सभी का बाप जो है बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, लेकिन निश्चय तो इतना होना चाहिए ना कि बाप मिला सब कुछ मिला, पाना था तो पा लिया। अब वो स्टेज नहीं है या नंबर बार है वो एक अलग बात, धारणा की है नहीं धारणा की है वो अपनी अपनी प्राप्ति। बाकी बाप तो 76 में आ गया। बाबा जैसे सोमान के पैंट जैसे बाबा जैसे बोलता जिसे लगाते हैं, जैसे सोमान जी में लाइट हाउस माइट हाउस, इसको प्रैक्टिकल मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम तो जैसे यही करते लाइट हाउस माइट हाउस स्मृति में रखते हैं, यहाँ ज्योति बिंदु देखते हैं। जैसे पानी के जहाज होते हैं, लाइट हाउस को देख करके वो उसी तरफ बढ़ जाते हैं, तो ऐसे ही जो लाइट हाउस बन करके रहेंगे आत्माएं उनकी तरफ खींची हुई चली आएंगी या वो उनकी तरफ खींच करके जाएंगे? लाइट हाउस माइट हाउस की तरफ आत्माएं खींच खींची हुई चली आएंगी।
फिश के लिए बाबा क्या करना पड़ेगा? प्योरिटी में रहना पड़ेगा, आत्मिक स्थिति में रहना पड़ेगा, आत्मा मन के जैसे संकल्पों को एक आत्मा में वो समा देना पड़ेगा कि मैं हूँ ही आत्मा, और कोई मन के अंदर संकल्प ना आए। क्यों आते नहीं पूछ रहा हूँ बाबा, जैसे इसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए, जैसे कोई भी सामान का आते हैं, इसका मतलब 63 जन्मों का बोझा अभी है, आत्मा पवित्र नहीं है तो कशिश नहीं करेगी। पवित्र आत्मा है तो कशिश करेगी। अमीर और गरीब का बेहद है, अमीर और गरीब का बेहद में ज्ञान धन की धारणा वाला है वो बेहद का अमीर है, और जो ज्ञान तो है सुनाता भी बहुत है सुनता भी बहुत है लेकिन धारणा नहीं है, तो ब्राह्मणों की भाषा में गरीब है या अमीर है? गरीबी बाप बाबा तो कहते हैं भी, बाप तो गरीब नवाज है, गरीब बच्चों को ही हाँ? बाप के बच्चे गरीबी हैं हाँ? अब अमीर बन गए बाप के बच्चे हाँ? बाबा ने बोला ना मुरली में भी बाप गरीब नवाज है, बच्चे भी बाबा के गरीब हैं हाँ? तो धारणावादी तो अमीर हुए उनको नशा है कि हम बाप के बच्चे बन गए, माना था तो पा लिया, अब हमें किसी की दरकार नहीं, जो भी तन है जो भी मन है जो भी धन है वो किसके लिए है? है बाप की सेवा के लिए है, कूद गए, बाप की नजर में वो अमीर है या गरीब है? अमीर ही है बाबा, कर्म बोध बाबा के बच्चों के पास भी बहुत आते हैं, और बाबा कहते हैं भी हम दूसरों को सुख और शांति दें, जब कर्म भोग आते हैं तो सुख और शांति हमारे पास ही नहीं होती, के पास खुद ही नहीं होगी वो दूसरों को क्या बांटेगा? वही बात है ना कि जब कर्म भोगी इतने आते हैं तो फिर कैसे दूसरों को सुख और शांति दें? आज की वाणी में है ना कि हम दूसरों को सुख और शांति दें, इतने फैसला कर लिया हो कि हम तो अपने जीवन में ईश्वरीय सेवा ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, कोई हमारा स्वार्थ नहीं, तो उसके लिए कर्म भोग रह गया, कैसे रह जाएगा कर्म भोग? शरीर कैसा भी लुंजम पुंजम हो, माताओं के लिए बोला बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनको पंख लग जावेंगे, बाबा ये आ जाता है ना बीच में घा आ जाता है, अभी उसका इंतजार करना पड़ेगा। मुख्य पुरुषार्थ क्या है? जो हुआ स्मृति लब्धा, बाबा शास्त्रों में 68 तीर्थों का गायन आता है, हमारे शास्त्रों में 68 तीर्थों का गायन आता है, 68 तीर्थों का हाँ। इसका हमारे ज्ञान से क्या संबंध है? तीर्थ भक्ति मार्ग में होते हैं या ज्ञान मार्ग में होते हैं? भक्ति मार्ग में तीर्थ होते हैं, हमारे ज्ञान से वही तो बता रहे हैं, भक्ति मार्ग में तीर्थ होते हैं, और भक्ति मार्ग का विशेष कनेक्शन किस आत्मा से है? ब्रह्मा बाबा से। ब्रह्मा बाबा ने कब शरीर छोड़ा? 68 पूरा हुआ और शरीर छोड़ा, 68 तीर्थों की यात्रा पूरी हुई। आपने बताया ना कि क्षेत्र में बाप की प्रत्यक्षता होती है, बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्षता होती है, बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, तो बाप क्यों बाप हुए? पहला बच्चा राम बाप है, यही है ना, ब्रह्मा बाबा का कोई रोल नहीं। ब्रह्मा बाबा इसलिए कहा जाता है कि वयोवृद्ध है, वो बाप नहीं है बाबा। जो छिंदवाड़ा मंदिर का जो आदिनाथ मंदिर है ना, है वो
आदिनाथ नहीं है, है? आदिनाथ का मंदिर है ना दिलवाड़ा में, ऐसा काला काला मंदिर या गोरी मूर्ति वाला इकट्ठा गिना जाता ना। एक तो नेमीनाथ का मंदिर है, सोने की मूर्ति है उसमें, एक जो दिलवाड़ा मंदिर जो बाबा कहते हैं दिलवाड़ा मंदिर, हाँ जी हाँ जी, यहाँ सबको में बनी हुई मूर्ति है, हाँ जी हाँ, पत्ते वाली मूर्तियाँ हैं वो 1230 में कहते बना था, दो भाइयों ने बनाया था, हैं दो भाई थे हाँ? तेजपाल और भक्तुपाल हाँ? क्या वो राम कृष्ण की आत्मा ही उस समय जाकर बनाती है उस मंदिर को? यहाँ संगम युग में दिलवाड़ा मंदिर कौन बनाने का निमित्त बनते हैं? बाप दादा जो यहाँ निमित्त बनते होंगे वो वहाँ भी निमित्त बनते होंगे, नाम ही है कंबाइंड बाप दादा। चौरासी जन्म में बाप दादा कभी अलग नहीं होते, तो कोई बात नहीं अंतिम जन्म में तो कोई ना कोई कोई ना कोई हिसाब से कनेक्शन में आना होता है, थोड़े ही हर समय कंधे पे चढ़े रहेंगे एक दूसरे के। बाबा राम की आत्मा तो है? राम की आत्मा दूसरे धर्मों में भी जाती है, जन्म लेती है जाकर, फिर कितने दूसरे धर्मों का बाप नहीं है? हाँ, तो कृष्ण की आत्मा तो नहीं जा सकती, कृष्ण की आत्मा और धर्मों से कनेक्टेड है, अगर कनेक्टेड नहीं है तो कृष्ण की राशि क्राइस्ट से क्यों मिलाई जाती? जहाँ पतित पावन का सवाल आता है तो पतित तमो प्रधान कौन सी आत्मा बनती है? जैसे क्रिश्चियंस के लिए कहते हैं क्रिश्चियंस से ना ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं ना ज्यादा तत्व प्रधान बनते हैं, ऐसे ही भारत में रामकृष्ण की दो आत्माएं हैं, उनमें ज्यादा तमो प्रधान और ज्यादा सत्व प्रधान कौन बनता है? राम वाली, राम वाली आत्मा ज्यादा तमो प्रधान भी बनती है ज्यादा सत्व प्रधान भी बनती है, कृष्ण की आत्मा न ज्यादा तमो प्रधान बनती है न ज्यादा सत्व प्रधान बनती है, चैन की बंसी आराम से बजा के पूरा पुरुषार्थ करते हैं। सती को भी 150 वर्ष की राजा ही करेंगे, राम वाली आत्मा का दूसरे धर्मों से, बाप का कनेक्शन दूसरे धर्मों से नहीं, माँ घर संभालती है और बाप बाहर संभालता है, प्रभाव में आती है माँ बच्चों के प्रभाव में आ जाती है और बाप बच्चों के प्रभाव में नहीं आता है, भले दूसरे धर्मों की राजाई स्थापन करने के निमित्त बनता है फिर भी उनके कनेक्शन में आते हुए भी प्रभावित नहीं होता है, अगर प्रभावित हो जाए तो उन्हीं धर्मों में रमता रहे, राजा ही स्थापन की और अपने धर्म में वापस। राम जी रावण बनते हैं एक कनेक्शन के लिए, बुद्धि में बैठता नहीं है, क्यों नहीं बैठा वो? अरे ये बुद्धि में बैठता है कि राम की आत्मा सबसे जास्ती तमो प्रधान बनती है, तमो प्रधान बनती है, अरे तमो प्रधान बनती है, ज्यादा तमो प्रधान रावण होता है कि राम होता है? रावण बनी थी, बनता नहीं ना, अब तो नहीं बनेगा ना, अब नहीं बनेगा, बनी थी पहले थी, अगर बनेगा नहीं तो 500 करोड़ की ये दुनिया विनाश कैसे होगी? अभी दुनिया में तमो प्रधानता काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ता जा रहा है या घटेगा? 2036 तक ये विकार बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। और बच्चों के लिए कहा है कि बच्चे तो बच्चे ही है और बाप ही होता है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? स्वर्ग की दुनिया में सत्व प्रधानता की जरूरत है या नरक की दुनिया में सत्व प्रधानता की जरूरत है? संगम की नहीं बाबा, जैसे सतयुग में तो स्वतः ही जैसे वो होते हैं, स्वतः ही कैसे वो करने से होता है, हर एक का अपना अपना करने से होगा कि अब स्वतः ही हो जाएगा?
युग का प्रभाव। युग का प्रभाव, युग जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। तो जड़ को बनाने वाला कौन है? चैतन्य, हम बच्चे हैं। चैतन्य है ना, तो जो चैतन्य बच्चे हैं वो युग को परिवर्तित करने वाले हैं। सब तो परिवर्तित करने वाले नहीं है, जिनमें परिवर्तन शक्ति है अपने को भी परिवर्तन पहले करें और दुनिया को भी पहले परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं, वो युग परिवर्तक है। बाबा, इस दुनिया में जैसे तमो प्रधानता बेशक बढ़ेगा, लेकिन एक पीरियड ऐसे आएगा बाबा के बच्चों के तमो प्रधानता स्थिति तो छोड़ देगा, तभी तो युग लाएंगे। बाबा के बच्चे जब बाप को पहचानेंगे तब तमो प्रधानता तो छोड़ेंगे या बिना पहचाने छोड़ देंगे? पहचानेंगे तब छोड़ेंगे। तो बाप का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ ना सको। बाबा हाँ, राम तो नारायण बनने जा रहा है तो फिर रावण कैसे बने? अरे कोई रंगमंच पर डबल पार्टधारी होते हैं? हाँ, कोई कोई ऐसे पार्टधारी होते हैं कि दो दो पार्ट बजाते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि बाप के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है? बाप को और बाप की बात को और बाप के ज्ञान को घृणा करने वाले हैं, और जो बाप को और बाप के ज्ञान को प्यार करने वाले हैं, बाप तो दोनों का ही है कि नहीं है? दोनों का। क्यों बाप दोनों का है? क्यों बाप दोनों का? प्रजापिता दोनों का नहीं है? शंकर वाली आत्मा जो है सारे विश्व के पिता नहीं है? बाबा है तो ये मैं नहीं कहता। देवताओं का असुरों का पिता नहीं है? है, लेकिन उसके परसेंटेज आ जाएगा। क्या परसेंटेज? जो उसकी बाप को मानेंगे उसको प्यार करेगा, जो उसकी बाप को नहीं मानेंगे उनको प्यार नहीं करेगा। ये तो कोई बात ही नहीं कि शिव बाप प्यार करेगा। शिव बाप के प्यार करने का सबूत क्या है? शिव बाप मिट्टी कैसे प्यार करेगी? राम वाला सोल की मैं बातें कर रहा हूं। राम वाली सोल, तुम शिव वाली सोल की अलग से बात कैसे कर सकते हो कि शिव वाली सोल प्यार करती है, शिव वाली सोल जो है तिरस्कार करती है? नहीं, वो तो न प्यार करता है न तिरस्कार करता है। तुम्हारी बात खत्म हो गई? वो जैसे राम वाली सोल की बातें हैं, वो जो जिन बाप को मानते हैं, बाप की मुरली को मानते हैं, उनसे प्यार करता है। जो नहीं मानते हैं, अंदर से ऊपर से बेशक प्यार दिखाता हो लेकिन प्यार नहीं करता। अच्छा, माने ये प्यार है कि वो पढ़ाई न पढ़े तो भी उनको सत्युग में भेज दे? नहीं, उनको पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा तब सत्युग में जाएंगे, बिना पढ़े नहीं जा सकते। तो आप प्यार किसे कहते हो? बाबा, ये जितने सौमान्य हैं एक दूसरे से कनेक्टेड, जैसे लाइट हाउस जैसे माइट हाउस, जो लाइट हाउस माइट हाउस होगा उसके तरह आत्माएं जैसे स्वतः जैसे खींचेगी। इसी तरह से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जो सर्वशक्तिवान हो दूसरी आत्माओं को स्वतः खींचेगा। जैसे मैं रूहे गुलाब हूँ, जिसमें खुशबू होगा उधर आत्माएं स्वतः आएंगी। अलग अलग नाम बोला, सारे का भाव एक ही है क्या? लाइट हाउस और माइट हाउस एक ही होता है क्या? रोशनी देता है। लाइट तो रोशनी देगी, माइट ताकत देगा। माइट ताकत देगा। माइक और माइट एक ही बात है क्या? नहीं, दो बात, दो बातें। बोल बोलेगा, बोल से प्रभावित करेगा, लेकिन वो ताकत से प्रभावित करेगा। बाबा, दादी प्रकाश मणि के मस्तक में ना लाल लाल मतलब जैसे फीका जलता है ना, ऐसे मतलब देखने में आता। आप देखने में आया? वो लाइट हाउस क्या जी वैसे मतलब आपको देखने में आया? सबको नहीं देखने में आया? नहीं, कईयों ने देखा, मुझे बताया। कईयों ने देखा ना? तो जिन्होंने कईयों ने देखा आप उससे प्रभावित हुए हुए ना? और बाबा ने मुरली बोला जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, उसी को देखेगा। ये क्या बात हुई? अच्छा, यहाँ किसी को दादी के मस्तक में लाइट दिखाई पड़ती है? याद नहीं आ रही, याद भी नहीं आ रही दादी की। जब दादी थी तब दिखाई देती थी। चलो, दो दूसरा आदमी निकला।
हरिद्वार में बंकर जैसे भी वस्त्रालय रखते हैं, हरिद्वार में बंकर जैसे भी वस्त्रालय रखते हैं, बंकर जैसे क्या हरिद्वार में बंकर जैसे भी वस्त्रालय है, बंकर क्या होता है तो वो पूछना चाहते हैं, बंकर माने क्या होता है? तुम बोल रहे हो बंकर कहाँ किताबों पढ़ते बाबा ने बोला ऐसे, बाबा ने बोला कि बंकर जैसे वैशाल्य होते हैं, बाबा ने बैंकर बंकर बैंकर टैंकर जैसे बैंकर बाबा बंकर 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 मोर्चा मोर्चा बंकर कहते हैं, मोर्चा जैसे कहते हैं, मोर्चा मोर्चे नु बंकर कहते हैं। हाँ, उसे स्थान बनाए हुए घेरा ही रखा गया है और वो प्राय अंडरग्राउंड जाते हैं तो वहाँ बहुत लूटपोट होती है। इस तरह से मतलब ये कि अकेले अगर कोई युवक चले जाए तो वहाँ पे प्रयागराज के किराने ही वो बने हुए नीचे नीचे पंडे बैठे हैं, वहाँ देखते हैं जाके रोशनी भी सूरज की आ रही है कहीं इधर उधर कुदर के और वो बैठे हुए जहाँ मौका देखते हैं। लूटपोट वाली बात एक अलग है, काला बाजारी खुलेआम हो रही चारों तरफ हो रही। बाबा वैसे बाप का पार्ट वंडरफुल किस तरह का है तो उसका कोई विश्वास ही नहीं करेगा, वो जाना तो चाहिए समय से पहले। अगर विश्वास नहीं करता है तभी तो इधर उधर बुद्धि भटकती है कि ये भी देखें वो भी देखें वो भी देखें, नहीं तो बुद्धि क्यों भटकेगी? अगर विश्वास पक्का हो जाए कि हमें सच्चा मिल गया, एक मिल गया, एक ही सच्चा है, तो फिर दूसरे की बात सुनने की दिल होगी नहीं होगी? वंडरफुल पार्ट बाबा ये भी ये वंडरफुल पार्ट हो गया ना कि बुद्धि भटकती है और माया भटकाती है। माया कोई दूसरी चीज थोड़े ही है, माया भी पुरुष होते हैं वही माया होती है, चाहे स्त्री रूप में हो चाहे पुरुष रूप में हो। बाबा जैसे प्रजेंट टाइम में भड़काने वाले वही हैं जो अपना जैसे ज्ञान है जितने जैसे धर्म पिता उतने तरह से उसका वो करेंगे क्लेरिफिकेशन देंगे है? है? तो बहुत सी आत्माएं किसी के ज्ञान से जैसे वो दे रहा उसे प्रभावित हो जाए कि वो जो उसको सुना दिया उसने सुन लिया उसे ज्ञान से प्रभावित हो गया उस बाप से तोड़ दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि पक्का निश्चय बुद्धि नहीं हुआ ना। बाबा जैसे दो तरह की आत्माएं हैं, कई आत्माएं जिनको दूसरे पर भी रहम आता, कई आत्माएं होती है कि सुना के आ रहा है जैसे सुनते हैं उसका रहस्य रियल में क्या है वो जैसे बाबा बताता है, वो जैसे उसका भी जैसे रियल में रहस्य दूसरे दूसरे जो भी सुना रहे हैं उनकी सबकी सुनना चाहिए। नहीं, एक होता है कि बुद्धि में धारण करने के लिए सुनना चाहिए, एक होता है फेस करने के लिए सुनना चाहिए इसका रियल में भाव क्या है। बाबा तो एकदम 100% बाबू जी जैसे सच्चा है, उसमें कोई किसी बात की है ही नहीं है। अपने धर्म की आत्माओं को दूसरे धर्म वाले भुलावा पैदा कर देते हैं, बाप से हटा देते हैं, तो उनको वहाँ से लाने का नियमित भी तो बनेगा बच्चे, ये रियल भाव इसका ये है, कोई कुछ बताने वाला भी तो बनेगा। धर्म गुरुओं को अभी तक लाभ आया? इब्राहिम को, बुद्ध को, क्राइस्ट को, गुरु नानक को, या जो भी धर्म पिताएं हुए या जो भी धर्म के नेताएं हुए हैं उनको कोई ने कन्वर्ट कर पाया आज तक? बाबा उनकी मारो गोली उनकी हमें क्या लेना, जो अपने वही शूटिंग हो रही है उनको बुला कर ले जाते हैं उनको कोई लाए, वो मैं बात कर रहा हूँ वही तो यहाँ शूटिंग हो रही है। जो 63 जन्म होता रहा है वही तो शूटिंग यहाँ हो रही है, है? बाबा ने कहा कि ये धर्म गुरु अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इनके जो जो खेले हैं खेलों को समझाओ सुनाओ सच्चाई बताओ। जो बाबा के जैसा कई सच्चे बच्चे हैं उनको किसी तरह से कोई कन्वर्ट कर ले है ही नहीं, वो कन्वर्ट होते हैं वो सच्चे हैं ही नहीं, अभी भी कन्वर्ट होते हैं और वहाँ भी कन्वर्ट हो जाएंगे, वहाँ भी धोखा दे के भारतवर्ष को चले जाएंगे। बाबा जैसे गुरु नानक देव जी हैं या क्राइस्ट हैं
इनकी आत्माएं अब भी ज्ञान में आ रही हैं या आगे चल करके आएंगी? धर्म पिताएं हैं वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, जो धर्म गुरु हैं गद्दी नसीन है वो हमारी बात नहीं मानेंगे, इसलिए मुरली में बोला है जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको हिलाते रहो, उनको तोड़ लो, फिर वो अपने आप मुंह लटका देंगे। बाबा तो उसमें बीज रूप आधार मूर्तों में भी है और बीज रूप आत्माओं में भी है, तो यहाँ बीज रूप आधार मूर्तों को तो ज्ञान सुनाने पे एजली जैसे वो मुड़ जाएंगे आधार मूर्त, लेकिन जो बीज मूर्त जो आत्माएं हैं उनके बीज उनके बुद्धि में जैसे उल्टी बातें जैसे डाल दिया है, तो अगर कोई सीधा बात डाले तब तो आएंगे ना, तो कैसे आएंगे? सीधी बात डालने वाले ही तो उनके पास पहुंचे कि हम इनकी बुद्धि में सीधी बात डालेंगे और वो कन्वर्ट हो गए और खुद ही कन्वर्ट हो गए। कैलकुलेशन इसकी समझ में आ गई बाबा, कैलकुलेशन समझ में आ गई सुरेश भाई की। एक माता मिली थी कह रहे थे कि ऊपर जैसे 10-12 जैसे वो है, इससे नीचे ऊपर लोक है और नीचे वाले में हम बैठे हैं। तो बाबा मैंने बताया कि जैसे ये है, ये पता नहीं जो दूसरे दूसरे जहाँ अच्छा देखते हैं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाबा उनका क्या नाम देते हैं, आर्य समाज, तो सबसे निचले पहलू पाए हैं, निचले पहलू पाकर बैठे हैं, उनके जो जितने धर्म हैं सारे ऊंचे हैं, उन्होंने अपने को निचला साबित कर लिया, निचला साबित कर लिया 14वें लोक में। बाबा अजीब जो अजीब कैलकुलेशन कर रखी है उन्होंने, उन्हीं कैलकुलेशन में कौन ये वैज्ञानिकों से पार गए हो? जैसे बाबा का जैसे जो चीज जैसे सीरियल है हर एक चीज जैसे बात है, हमारा मूल हमने जो पकड़ा है वो एक वाणी को पकड़ा है या अनेकों को पकड़ा है, और एक वाणी है ब्रह्मा की वाणी, जो ब्रह्मा की वाणी को ही छोड़ दे आधार ही छोड़ दिया तो बैठ जाएगा। नहीं बाबा, कोई भी धर्म पिता है उनका आधार किसी भी धर्म का आधार तो है ना कोई ना कोई, सिख धर्म वाले गुरु नानक की जो गुरुवाणी है उसको मानेंगे, इस्लामी है वो बाइबल को उसको क्राइस्ट उसको मानेंगे बाइबल को, क्रिश्चियन है वो उसको मानेंगे बाइबल को, तो हमारा आधार तो यही है ना मुरली और एवेक्स वाणी, जो इनको ही नहीं मानते तो फिर वो सच्चे ब्राह्मण था, तो उनकी चीजें हम पढ़ते ही क्यों पढ़े पता नहीं सुरेश भाई की दूसरी पार्टी से क्या होगी लगाव हो गया हमें बाबा, कोई लगाव नहीं उनसे, तो अच्छा होता है लो भी शैतान क्या बात है, पंजाब में माताओं की संख्या कम होती जा रही है, सर्दी में कम निकलती है तो सर्दी होगी ठंडी लगी क्या पहले ठंडी होता था, अच्छा सुरेश सूर्यवंशी बन गया पक्का सूर्यवंशी अब तो बाबा टीवी पर भी वैज्ञानिकों ने कह दिया 2013 में विनाश हो जाएगा, 2012 में टीवी पर अब उन्होंने ग्लेशियर के बेसिस पे कहा, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा ना कहते वो पानी ही पानी हो जाएगा चारों तरफ, आप कैसे बनेंगे पिकनिक नहीं करेंगे?